हे गाइस, आज मैं ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो लड़कियों से रिलेटेड है, उनकी शादियों को लेकर। सिर्फ लड़कियों से नहीं, लड़कों से भी रिलेटेड है, साथ ही इंटरेस्टिंग भी है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं जन्म, मृत्यु, विवाह, ये तीनों हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो इसे मानने को तैयार ही नहीं। लोगों का कहना है अगर एक लड़का या लड़की की शादी समय पर नहीं किया जाए तो बाद में कोई प्रॉब्लम होगी। फिर वो ये भी कहते हैं चलो एक लड़का तो जब चाहे तब शादी कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लड़की की शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर लड़की की शादी करने में देर हो रही है ना, तो लोग तरह तरह के बातें करने लग जाते हैं। अगर एक उम्र होती लड़की घर में बैठी हुई है तो उनके परिवार को इतना तनाव नहीं होता है जितना समाज को होता है, खासकर रिश्तेदारों को, मानो वो उनके लिए बोझ बनी हो। वो लोग तो अपनी बेटियों की शादी बिना सोचे समझे कर देते हैं, और कोई कोई तो बाद में पछताते भी है। साथ ही वो ये भी कहते हैं वो तो बूढ़ी हो गई है। अरे भाई, 25-26 की उम्र में कोई बूढ़ा हो जाता है क्या? कम उम्र में शादी हुई लड़कियों को लगता है उनसे थोड़ी बड़ी लड़कियां बूढ़ी हो गई। ये बात तो वो उस लड़की के सामने भी कह देते हैं, तब उस लड़की को इस बात का कितना बुरा लगता है, वो कभी सोचते हैं? ये बात क्या तुम लोग जानते हो कि उसकी शादी कब होनी चाहिए और कब नहीं? इतना ही पता होता तो ये क्यों कहते कि शादी कब होगी किसी को भी पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने। जाने कब शुभ मंगल घड़ी आएगी। जब होनी होती है ना तो 2 दिन में ही शादी हो जाती है, नहीं होना होता है तो साल भर लग जाता है। कितने लोगों का तो 5-10 साल का संबंध रह के भी टूट जाता है और किसी और के साथ शादी हो जाती है। दुनिया की किसी भी लड़की की शादी एक साथ या एक ही उम्र में होगी ये कोई कह भी नहीं सकता, और ऐसा कभी होता भी नहीं। अगर ऐसा हो ना तो दुनिया ही उलट जाएगी। और एक बात जो बहुत खास है, जिसके भी साथ ऐसा हुआ है ना, वो तो शायद पागल हो गया होगा, नहीं तो अपना सर पटकना शुरू कर दिया होगा। जब कोई रिश्तेदार किसी रिश्ते को लेकर आते हैं तब भले ही पसंद ना हो, लेकिन वो एक ही बात का रट लगाएंगे कि वो रिश्ता बहुत अच्छा है, या तो वो लड़का ये उसका परिवार बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे लिए सही है। उनका बस चले ना तो उसी दिन ही वो रिश्ता पक्का कर दे। अरे भाई, ये क्या बात हुई? वो रिश्ता तुम लाए हो इसलिए बिना सोचे समझे हाँ कह दे, जाने बिना ही। और कभी अगर वो रिश्ता ही नहीं हुआ तो वो ये कहेंगे कि तुम्हारी तरफ से कोई पहल नहीं था, तो वो दूसरी ओर चले गए। और साथ ही ये भी सुनने को मिलेगा तुम तो ऐसे ही बैठे रहना बुढ़ी होके घर पे। ऐसे लोगों को क्या कहे, वो जानते हैं कि वक्त पे ही सब होता है, वक्त से पहले कोई भी काम नहीं होता है, सब काम सोच समझ कर करना चाहिए और किसी भी काम को जोर जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए। लेकिन उनको तो महान बनना है, वो तो टांगा रहते रहेंगे। शादी नहीं हो रही है उस बात को लेकर उतना परेशान नहीं होते हैं जितना रिश्तेदारों की बातें सुनकर होना पड़ता है। एक बात तो बिल्कुल सही है कि शुभ घड़ी आने पर कोई भी कितना भी रोके, जिसके साथ जब शादी होनी है तब तो हो ही जाती है। ये थी शादी को लेकर एक कड़वी सच्चाई, जो हमारे समाज, हमारे रिश्तेदार या हमारे अपने परिवार में ही होता हुआ दिखाई देता है। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टा में भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।